नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। केंद्र की मोदी सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने को काफी पहले ही अनिवार्य कर दिया है। लिंक नहीं कराने पर आपको वित्तीय लेन देन में काफी सारी समस्या हो सकती है। इसके अलावा भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यह सब आयकर कानून 1961 में जोड़े गए धारा 234H के कारण हुआ है, जिसे सरकार ने बीते साल 2020 में ही वित्त विधेयक में पास करवाया था। ऐसे में सरकार भी बार बार समय देकर लोगों को जल्द से जल्द पैन और आधार को आपस में लिंक करने के मौके दे रही है। हालांकि कोरोना महामारी के कारण लोगों को इसके लिए ज्यादा समय दिया जा रहा है। अब अंतिम तारीख को 30 सितंबर 2021 तक निर्धारित कर दिया गया है। इस क्रम में देश की बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के करोड़ों बैंक ग्राहकों को खास अलर्ट जारी किया है। आप भी अगर किसी भी बैंक के खाता धारक हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि क्या अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल इस अलर्ट के मुताबिक ग्राहकों को कहा गया है कि वे 30 सितंबर 2021 से पहले अपने पैन और आधार को आपस में लिंक करा ले। ऐसा नहीं करने पर ग्राहक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे, बैंक से रुपए की लेन देन नहीं कर पाएंगे, साथ ही उन्हें लेट फीस के तौर पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही अगर निर्धारित तिथि तक कोई व्यक्ति पैन को आधार से लिंक नहीं करवाता है तो उनका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, यानी कि काम करना बंद हो जाएगा, जिसके बाद आपको दोगुनी मेहनत करके फिर से नया पैन कार्ड बनवाना पड़ सकता है। भारतीय स्टेट बैंक हर बार ही बैंक ग्राहकों को अलर्ट जारी करता रहता है। ऐसे में एक बार फिर से SBI ने सभी बैंकों के खाता धारकों के हित में उन्हें चेताया है। SBI ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा कि हम ग्राहकों को पैन और आधार लिंक करने की सलाह देते हैं ताकि उन्हें बैंकिंग सर्विस मिलने में कोई असुविधा ना हो। चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा नहीं करने पर बैंक ग्राहकों को क्या क्या समस्या हो सकती है। पैन कार्ड एक बार इनएक्टिव हो गया तो आपको जुर्माना तक अदा करना पड़ सकता है, और अगर आप इसे एक्टिव कराना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपए तक लेट फीस देनी पड़ सकती है, क्योंकि पैन निष्क्रिय होने पर जुर्माने का प्रावधान है। पैन कार्ड के निष्क्रिय हो जाने पर ऐसा मान लिया जाता है कि कानून के मुताबिक पैन को कोट नहीं किया गया है। ऐसे में आप पर आयकर कानून के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10,000 रुपए का भी जुर्माना लग सकता है। सरकार द्वारा इससे पहले पैन को आधार से लिंक करने की सीमा को 30 जून 2021 तय किया गया था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बीच राहत छूट देते हुए अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 30 सितंबर तक कर दिया गया है। आप खुद से भी अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करा सकते हैं, तो चलिए आपको प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले आप इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइलिंग की नई वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें। यहाँ पर आपको एक जगह लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद अपने पैन और आधार नंबर को वहाँ दर्ज करें। इसके बाद आधार पैन लिंक का स्टेटस चेक करें। उसके बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाने के बाद आपको योर पैन इज लिंक्ड टू आधार नंबर ऐसा मैसेज आ जाएगा, जिससे आप समझ लें कि आपका कार्ड लिंक हो चुका है। तो अगर आपने अब तक यह काम नहीं पूरा किया है तो आज ही जाकर पूरा करें और किसी भी तरह के जुर्माने से बचें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।